लगातार हुई बारिश से जिले में नदी नाले उफान पर है। ऐसे में प्रशासन ने भी लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। वहीं आज सूरजपुर के रेड नदी में नहाने गया एक युवक तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने स्थानीय गोताखोरों की मदद लेकर काफी खोजबीन की, लेकिन देर शाम तक युवक का पता नहीं चल सका है। दरअसल ग्राम नमदगिरी का रहने वाला रुदन केवल रेड नदी में नहाने गया हुआ था, जिस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह नदी के तेज बहाव में बह गया। युवक को बहता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में रोकना पड़ा। सुबह फिर से युवक की तलाश शुरू की जाएगी। सूरजपुर से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट। यहाँ पर मतलब जस्ट रेण नदी के बगल में उनका रुदन केवट पिता बीरन केवट का घर है, और उनके नहाने वहाने का मतलब यहीं पर जस्ट बगल में है। तो सुबह वो लमसम 9, 9:30, 10 बजे के आसपास यहीं पर आया था वो, और आने के बाद पता चला कपड़ा बगल में उनका साइड में ही पर पड़ा हुआ था, और उनको देखे कि मतलब बह रहा था। तो रुनियाडी के एक लड़का संजय नाम का लड़का था, वो देखा कि दोनों हाथ जैसे ऊपर किए हैं, तो घर में आके सूचना दिया, और सूचना देने के बाद बताया कि मतलब तुरंत पुलिस टीम को मतलब सूचना दिया गया करंजी और सूरजपुर के, और वो लोग आए और गोताखोर को लेते लाए, और यहाँ से मतलब इस पुल रुनियाडी के पुल से लेकर करंजी पुल तक पूरा वो लोग ढूंढे, लेकिन उनका पता नहीं चला। और पुलिस वाले बोले हैं कि कल हम लोग फिर मतलब प्रयास करेंगे, और आसपास में अगल बगल में पता करते रहिएगा, कहीं दिखेगा तो हम लोग को पुलिस वाले को सूचना दीजिएगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम इजराइल खान है। रुदन केवट करके नमदगिरी का कोई व्यक्ति है जो नदी में बह गया, सूचना मिला, जिस पर एनडीआरएफ टीम तत्काल मौके पर पहुँच कर बचाव राहत कार्य में लगी, जो उसकी रुदन केवट का कोई पता नहीं चला। अभी एनडीआरएफ की टीम उसकी खोजबीन कर रही है, रात्रि होने से काम रोका गया है, कल सुबह फिर से खोजबीन की काम चालू की जाएगी।